नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS by नीरसर में। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2017 परीक्षा संपन्न हुई थी 8/4/2018 को। ठीक है, 8/4/2018 को RO/RO 2017 का पेपर कम्प्लीट हुआ था। सेकेंड प्रश्न पत्र हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी का है, 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, 6 चैप्टर्स होते हैं, जिसमें से शब्द हो गया वर्तनी वाला, विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, विशेषण विशेष हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हो गया, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया। 10-10 प्रश्न हर एक क्षेत्र से पूछे जाते हैं, तो क्यों ना हम लोग 2018 वाले पेपर को भी सॉल्व कर लें। 2016, 2014, 2013 और 2010 के पेपर को हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है। अगर उसका PDF फाइल भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप किसी भी माध्यम की PDF फाइल फ्री में पा सकते हैं। ठीक है, अगर 2017 के पेपर की भी अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए और वहाँ पर आपको PDF की लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उसे आप फॉलो करिए और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसका लड़का लंबा है में विशेषण बताना है, तो लंबा जो है वही विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पांडु शब्द बताना है कि प्रयोग के आधार पर क्या होगा, तो विशेषण और विशेष्य दोनों होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। चतुर्थ विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, यानी चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्यांश में विशेषण क्या है, तो ये चतुर है। ठीक है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, विशेषण यहाँ चतुर है। ठीक है, विशेष विद्यार्थी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में दुष्चरित्र क्या है, यानी व्याकरण की दृष्टि से इसका संवर्ग क्या है, तो ये विशेषण है। ठीक है, विशेषण और विशेष्य से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है, हमने पहले ही बता रखा है। 10 प्रश्न हम लोग फिक्स कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्यांश में विशेषण क्या है, तो लाखों। ठीक है, नेक्स्ट हम पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। विशेष्य वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। ठीक है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वही विशेष्य होता है, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था, चतुर विद्यार्थी थे प्रश्न पूछो, यहाँ चतुर हो जाता है विशेषण। क्वेश्चन नंबर 4, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण है, तो यहाँ 3 विशेषण होगा। ठीक है, विशेषण 3 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 8, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इसमें बताना है वाक्य में विशेष्य क्या है, तो मोहन विशेष्य हो जाएगा, अच्छा विशेषण हो जाता है। ठीक है, मोहन विशेष्य हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की हम लोग बात करते हैं। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में विशेषण और विशेष संबंध नहीं है। ऑप्शंस में बताना है किसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध नहीं है, आपने कथन पढ़ा तो पुलिस की लापरवाही से, यहाँ विशेषण और विशेष्य का कोई संबंध ही नहीं है, इसलिए सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, लास्ट प्रश्न है विशेषण और विशेष्य का। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है, तो क्रोधी शब्द विशेषण शब्द होता है, जबकि क्रोध जो है वो विशेष्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। बिसिक किस शब्द का पर्यायवाची है, बिसिक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बिसिक तो बिसिक बाण का पर्यायवाची है, बाण का। ठीक है, बिसिक तोमर नारद सरु इंदु सायक इत्यादि, ये सब बाण के ही पर्यायवाची हैं, बाण के। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, खर यानी गधा, तेज जो लिखा है ये खर का पर्यायवाची नहीं होता है, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, घोड़ा का पर्याय नहीं है, शार्दूल जो लिखा है ये सिंह का पर्यायवाची शब्द होता है, सिंह का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। टीका शब्द का पर्याय है, अब टीका शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है, तो व्याख्या होता है, टीका मतलब व्याख्या, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन ढंग से पढ़िए, आराम से पढ़िए कि क्वेश्चंस गलत ना हो।
यमुना का पर्यायवाची नहीं है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, कुल कंसा जो लिखा है ये यमुना का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। कुल कंसा जो है नदी का पर्यायवाची होता है, नदी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से मीन शब्द का समानार्थी है, तो मीन होता है झक का, ठीक है, मछली का पर्यायवाची है ये। नेक्स्ट मीन भौंरे का भी होता है, मीन भौंरे का भी पर्यायवाची है, अल भौंरा अली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है, केतु का पर्याय शब्द नहीं है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें बताना है केतु का पर्याय नहीं है जो, तो झंडा पताका निशान ये केतु के पर्याय हैं, जबकि ग्रह जो है केतु का पर्याय नहीं है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, तलवार का पर्यायवाची शब्द है, तो तरवाल का होता है करवाल, ठीक है, तलवार का पर्यायवाची करवाल होता है। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, कामदेव का बताना है, मार शब्द जो लिखा है ये कामदेव का पर्यायवाची शब्द होता है, बिंडोजा इंद्र, ये सारे कामदेव की पर्यायवाची हैं, बिंडोजा इंद्र का होता है, सॉरी बिंडोजा इंद्र का पर्यायवाची है, पिसान जो है चंगुलखोर का होता है, जबकि अश्म पत्थर का पर्यायवाची होता है, अश्म मतलब होता है पत्थर, ठीक है, बिंडोजा ये इंद्र का पर्यायवाची है, कामदेव का पर्यायवाची मार होता है। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, पर्यायवाची का लास्ट प्रश्न है, धनंजय का पर्याय क्या होगा, तो धनंजय का पर्याय घोड़ा केश होता है, इज द राइट आंसर। अब हम लोग बात करते हैं तत्सम तद्भव से, 10 प्रश्न पूछे गए हैं, 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, तत्सम यानी संस्कृत वाला शब्द, तो साटिका जो है एकदम सही लिखा हुआ है, तत्सम की दृष्टि से एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, बरात का तत्सम रूप है, तो बरात का क्या होता है तत्सम, वरयात्रा, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, मोती का तत्सम रूप बताना है, तो मोती का मैक्तिक हो जाता है, मैक्तिक, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, मिट्टी का तत्सम शब्द है, तो मिट्टी का तत्सम क्या होता है, तो मिट्टी का तत्सम होता है मृतिका, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है, तद्भव है तो तद्भव ओझा शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, ओझा तद्भव शब्द होता ही है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, तत्सम बताना है, सरीसृप जो लिखा है ये तत्सम शब्द है यानी संस्कृत वाला शब्द है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, सृष्टि, घर, परीक्षा, ज्योत्सना, तो घर शब्द जो है ये तद्भव शब्द है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, तो अखरोट का अछोट होता है, अछोट, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, सही युग्म, तो अछावट अखाड़ा होता है, अछावट अखाड़ा शब्द का तद्भव तत्सम सही है, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो कपूत सपूत लिखा है, ये तत्सम की दृष्टि से एकदम गलत है, यही ऑप्शन गलत है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अब वर्तनी की दृष्टि से क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, निरपराध जो लिखा है ये गलत है, निरपराध होता है, ठीक है, निरपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, अशुद्ध वर्तनी बताना है, मिथिलेश कुमारी लिखा है जो एकदम गलत लिखा है, मिथिलेश कुमारी होता है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, नौकरी जो लिखा है गलत है, नौकरी होता है, ठीक है, नौकरी। अब आप लोगों को पता होगा ये 2018 में पेपर हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चंस कितने मायने रखते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितने सीरियस होकर आप इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चर्मोत्कर्ष, वाड़मय, हिरण्यकशिपु होता है अशुद्ध, ये भी है, ठीक है, डी भी है, और जो पुनरुत्थान है वह भी पुनरुत्थान होता है। हिरण्यकश्यपु होता है, इसका राइट आंसर डी होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, प्रतिदर्श जो लिखा है एकदम सही लिखा है, प्रतिदर्श, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें अशुद्ध आपको बताना है, चारों ऑप्शनों को आपको रीड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बता पाएंगे, तो इसमें एक गुलाब की माला खरीदनी है, एक गुलाब की माला नहीं होती, गुलाब की एक माला खरीदना है,
ठीक है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यही अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 37 बात करते हैं, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, एक वाक्य अशुद्ध है उसे बताना है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, यही एकदम अशुद्ध लिखा है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया है, मुक्त हस्त दान दिया है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या वाक्य अशुद्ध है, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर आपको पढ़ के बताना है, वह अनेकों मामलों में गवाह था, अनेकों मामलों में गवाह था, यही ऑप्शन एकदम अशुद्ध है, ए इज द राइट आंसर। बाकी शुद्ध लिखे हैं, निपुर की धनु मनमोहक होती है, आपका मनोकामना पूर्ण हो, मनीष गण मेरी बात पर ध्यान दें, ये सही है, जबकि वह अनेकों मामलों में गवाह था, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, अनेक होना चाहिए, अनेकों नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, शुद्ध वाक्य पहचानना है आपको, तो यहाँ निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, एकदम सही लिखा है, क्वेश्चन मार्क चेक चिन्ह भी लगा है, सही है, बी इज द राइट आंसर। अब वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये यहाँ से भी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, इनकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2018 के पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 2017 की वैकेंसी थी, 18 में पेपर हुआ था। अपने सहारे पर रहने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है, तो स्वावलंबी, अपने सहारे पर रहने वाला स्वावलंबी कहलाता है, ठीक है, स्वावलंबी, जो अपने ऊपर निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं, बलिष्ठ कहते हैं, बलिष्ठ, जो अपने ऊपर निर्भर रहता है उसे बलिष्ठ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, आप प्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, आप प्रमेय, तो आप प्रमेय मतलब जिसे प्रमाण से सिद्ध ना किया जा सके, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसे आप प्रमेय कहते हैं, जो नापा तोला ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं, अपरिमेय, जो तर्क या प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 बात करते हैं, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला उसके लिए वाक्यांश में एक शब्द क्या होता है, तो जिज्ञासु होता है, जिज्ञासु, जिज्ञासु, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। क्वेश्चन नंबर 44, जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसे असूर्यस्प्रया कहते हैं, असूर्यस्प्रया, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने की समझौता के लिए एक शब्द क्या होगा, तो कुछ खास शर्तों, संविदा उसे कहते हैं, संविदा, डी इज द राइट आंसर, जो अभी लेटेस्ट में मुद्दा बना हुआ है योगी सरकार के लिए। क्वेश्चन नंबर 46, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश उसे क्या कहते हैं, तो उसे अध्यादेश कहते हैं, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश जो है वो अध्यादेश कहलाता है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं, वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी विदेश गया हो उसके लिए क्या है, तो प्रोषित पति का, प्रोषित पति का, जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, परदेश गया हो या विदेश गया हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं, पैरों से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, अपाद मस्तक, अपाद मस्तक, पैरों से सिरों तक। क्वेश्चन नंबर 50, वन वर्ड के लिए लास्ट क्वेश्चन है ये, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसे दुराचारी कहते हैं, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराचारी कहलाता है, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं, निषिद्ध का विलोम बताना है, विलोम से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 2017 का पेपर है, 2018 में पेपर हुआ था, ठीक है, 2018 में पेपर हुआ था, उसकी सॉल्विंग देख रहे हैं आरओ यारओ के लिए। निषिद्धि का सही विलोम क्या होगा, तो निषिद्धि का विहित होता है, विहित, विहित, निषिद्धि का विहित होता है, ठीक है। नेक्स्ट शुष्क का विलोम क्या होगा, तो शुष्क का विलोम आर्द्र होता है, आर्द्र, आर्द्र, शुष्क का आर्द्र। स्थूल का विलोम नहीं है, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पे स्थूल का विलोम नहीं है, तो जो शाश्वत लिखा है ये स्थूल का विलोम नहीं है, ठीक है, बाकी दुर्लभ सूक्ष्म और जो दुर्लभ सूक्ष्म और तन्वी जो लिखा है ये स्थूल के ही विलोम है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं, पृथक का सही विलोम है, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो पृथक का विलोम संयुक्त होता है, संयुक्त, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है, उपयोग का विलोम अनुपयोग होता है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युग्म है, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, दक्षिण माम सही लिखा है, विधि निषेध एकदम सही लिखा है, बर्बर सभ्य एकदम सही लिखा है, लेकिन जो उद्धम और निरुद्धम लिखा है ये एकदम गलत लिखा है, ठीक है, तो इसी का विलोम गलत होगा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है या शुद्ध युग्म है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, अल्पज्ञ बहुज्ञ एकदम सही लिखा है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है, तो सचल का चल, यही गलत लिखा है, ठीक है, सचल का अचल होता है, निरपेक्ष सापेक्ष मौलिक अंतु और बंधन मौक्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही योग बताइए। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो विलोम की दृष्टि से सही लिखा है जार्जर औरस एकदम सही ऑप्शन है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों के सही युग्म को बताइए। तो हया बेतहा, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।